नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। सो आज दोपहर बाद मैं वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर में हूँ और आप देख सकते हैं बाबा का जो मंदिर है, हैं, और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में एक इनका स्थान है। तो अगर मैं श्लोक की बात करूँ उपनिषद की, तो स्टार्ट होता है सौ राष्ट्रीय सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जयानाम महाकालम ओमकारम अमलेश्वरम परली वैजनाथम डाकिनिया भीम शंकरम सेत बंधु तू रामेशम नागेशम दारुक बने वारण्यश्याम तू विश्वेश्वम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तू केदारम घुस्मेश्वम च शिवालयम। सो ये 12 ज्योतिर्लिंग है और आज मैं 5 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकला हूँ अपने श्रीमती जी के साथ। श्रीमती जी गई कहाँ? हाँ, इधर है, हैं। सो कहा जाता है महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग, बट एक्चुअली में ये 4 हैं, हैं, जिसमें औंधा नागनाथ वो इस लिस्ट में नहीं है, वो गुजरात वाले नागेश्वर। तो इसी के साथ ओम नमः शिवाय। और ये जो मैं आया हूँ यहाँ पर, कल महाशिवरात है 2024 का, तो काफ़ी अच्छा लगा दर्शन करके, क्योंकि कोई भीड़ नहीं थी, और कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो ज़रूर आएँ। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। सो आज की संध्या में, आज एकादशी भी है, आज की संध्या में मैं हूँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, और ये हमारा 5 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र का दूसरा पड़ाव है। आप देख सकते हैं मंदिर काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है, क्योंकि कल महाशिवरात है, हैं। सो ये महाराष्ट्र के आपके दूसरे ज्योतिर्लिंग हैं, और दूसरा पड़ाव भी है हमारा, और तीसरा पड़ाव जो हमारा होगा वो घुस्मेश्वर का होगा। और मैं अंदर से दर्शन करके आ गया, और ये काफ़ी पुराना मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंगों में इनका स्थान है। अगर थोड़े अध्यात्म की बात की जाए, तो जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो 12 राशियाँ के ऊपर वो हैं, डिपेंड है, और मोस्टली यहाँ पर काल सर्प योग और बहुत सारे जो विधि होती है वो यहाँ पर कर सकते हैं या होता है यहाँ पर। थैंक यू, ओम नमः शिवाय। और मित्रों सुप्रभात। सो आज पांच ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की यात्रा में ये हमारा तीसरा पड़ाव है, और ये पुराना नाम औरंगाबाद और नया नाम संभाजी नगर, और ये हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग में ये घुस्मेश्वर के नाम से जाने जाते हैं, हैं। सो आज महाशिवरात का बहुत ही पावन पर्व है, सो इस वजह से मैं 5 घंटे आज लाइन में खड़ा रहा हूँ। और बहुत ही सुंदर मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग में इनका नाम भी है, हैं। और कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो ज़रूर आ करके दर्शन करें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों। सो आज की संध्या में मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र, इनको औंधा नागनाथ भी बोला जाता है, और इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया है। सो आज ये हमारा चौथा पड़ाव है, 5 ज्योतिर्लिंग इन महाराष्ट्र, सो ये आज हमारा चौथा पड़ाव है, और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। स्पेशल पास की भी व्यवस्था थी, जो आप देख सकते हैं लाइन में, और ये लाइन जो है नॉर्मल वाली है। सो काफ़ी खूबसूरत मंदिर, और ये इनका जो गर्भगृह है थोड़ा संकीर्ण है और नीचे में, तो उम्मीद है कि आप लोग कभी मौका मिले ज़िंदगी में तो ज़रूर आएँ। और वैसे भी आज बहुत ही अच्छा ओकेजन है, महाशिवरात्रि का दिन है। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। आज की सुबह में मैं परली वैजनाथ ज्योतिर्लिंग, और ये महाराष्ट्र के 5 ज्योतिर्लिंग में से ये हमारा अंतिम पड़ाव है, और इसके बाद मैं घर के लिए निकलूँगा, हैं। सो अगर देखा जाए पुराण के श्लोक के अनुसार, तो महाराष्ट्र में आपके 4 ज्योतिर्लिंग हुए, जिसमें एक परली वैजनाथ भी है। कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो ज़रूर आएँ, दर्शन करें बाबा के, और बहुत ही सुंदर
मंदिर जाके, पिछले वीडियो में मैंने बताया कि काफ़ी पुराना मंदिर है ये। ओम नमः शिवाय।